सुजानपुर में आए दिनों चोरियों जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर सुजानपुर में दो जगह चोरों द्वारा किला मोहल्ला में पीर बाबा की दरगाह में गुल्लक पर हाथ साफ किया गया। वहीं शाम के समय दीपनगर कॉलोनी के एक घर पर चोरों द्वारा चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन घर के मालिक को देख चोर रफू चक्कर हो गए। सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरी हुई है मंदिर की बाबे की, यह हुई है कोई 3 बजे ना, उस वे कुत्ते बड़े भौंके है, फिर लोग उठे नहीं। हाँ ये चोरी जी चोर फरगोने दूई बारी चोरी हुई है, दूई बार फरगोई है, थाने रिपोर्ट देनी चाहिए, थाने कर दी रिपोर्ट। की डिमांड है थोड़ी? सारी डिमांड है भी फरोने चाहिए ने, जिन्हें गला तोड़िया फरोने चाहिए ने, किसी बहाने आने तो फरोने चाहिए। हाँ जी, मैं सूरजी मल्ले तो बोल रहा है जी। सुजानपुर के इन चोरियां वारदातें बढ़ रही हैं कि साडा प्रशासन सुता हुआ पाया आ, रात में जो गश्त करते ही अजकल वो गश्ती बंद कर दी है। ये प्रशासन को चाहिए, साडी मंग है प्रशासन के अगे कि सब तो पहला सुजानपुर के जिन्हें चोरिया हुई हैं इधर लगाम पकाई जाए। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही कमेटी घर को हर दिन पहले चोरी हो गए हैं, पठानकोट के थोड़े दिनों में ममून के जाके चोरी हुई है, दिन दिहाड़े डाके हो रहे हैं, रात में हो रहे हैं। इसलिए हमारी साड़ी मंग है ये कि प्रशासन जिन्नी तो जिन्नी जल्दी हो सकता है कि सुजानपुर की जनता के लिए सुरक्षा के लिए चोरियों का लगाम लगाने कुछ ना कुछ हल किया जाए। अज की नुकसान होया? नुकसान जी दूसरी बार इतों चोरी हो चुकी है, ये घट्टो घट ज़्यादा नहीं तो 2000 रुपये के करीब करीब इस गले चले गया होना है। अपने गेट के रस्ते और अंदर दो लड़के एंट्री करके अंदर समान वगैरह अलमारी खोल के कर रहे थे। मैं इन देर आ गया, मेरे देख के उन्हें अट गए। मैं 10 मिनट वास्ते आटा लैन गया सी इतने सामने चक्की से, 10-15 मिनट बाद मैं वापस आया। इन्नी देर के अपनी कार्रवाई करके वापस चले गए और मेरे देख करके नट गया। अंदर बाहर मुंडे यंग से इस वास्ते मैं पकड़ नहीं सकिया, मेरी इस वे उम्र 70 साल की है। मैनू डर सगा कि खड़ता मैं तो हो सकता मेरे से कोई छट पेट कर लेंगे, मैं इस वास्ते नट गए। इधर गली के मैं शोर मचाया चोर चोर का, और इधर मतलब कि ना कई ने देखा भी है, कई ने रिकोगनाइज किया कई ने जिन्होंने, और पुलिस इस मामले पूरी तहकीकात करे ताकि इन्होंने अणपछाते अफसरों इन्हों काबू किया जाए, ताकि दिन दोपहर इस तरह के मतलब कि बातें हो लगी और पब्लिक का इंट्रस्ट जो है कि पब्लिक सेफ नहीं है। इस वास्ते मेरी गुजारिश है पब्लिक के खातर, अपने महला वासियों की खातर, अपने शहर की खातर, एक पुलिस इस मामले में पूरी अपनी तहकीकात करके कल्परेट को सामने लियाए और उन्होंने उचित सज़ा दी।